सी आई डोंट नो कि आप लोग को ये चीज़ पता है या नहीं पता है कि जो आपके शूज़ हैं जिन्हें आप डेली बेसिस पे पहनते हो वो एक्चुअली में आपकी पर्सनैलिटी को जस्टिफाई करते हैं। अरे हाँ भाई, ये सच है। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी फंक्शन या इवेंट में जाएं, सो मेक श्योर कि जो आपके शूज़ है वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ऑन पॉइंट होना चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई हमारे पास शू की केयर करने का इतना टाइम कहाँ है। अबे साले, इतना झूठ क्यों बोल रहा है? लड़की घुमाने के लिए तेरे पास समय ही समय है और जूते की केयर करने के लिए तेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। नरक में जाएगा क्या? तो भाई अगर आप भी इनके जैसे वही बंदे हो जिनका शेड्यूल बहुत ही बिजी रहता है उनको घुमाने में, तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे शू हैक्स लेके आने वाला हूं जो कि आपका टाइम और आपकी शू की लाइफ दोनों बचाएगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हो इन सभी हैक्स को, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सो वेल, हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज आविष्कार सिंह परियार एंड यू आर वॉचिंग फैशन ऑन योर टिप्स। तो करें फिर शुरुआत, चलिए। सो स्टार्टिंग वेरी फर्स्ट टैग जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, वो क्या? क्लीनिंग ऑफ योर शूज। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि भाई इतने सारे मटेरियल के शूज होते हैं, स्वेड, लेदर, कैनवास, तो क्या सबका क्लीनिंग प्रोसेस सेम रहेगा? द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि भाई अगर आप सिमिलर क्लीनिंग प्रोसेस सारे शूज के लिए यूज करोगे तो आपके सारे शूज डैमेज हो जाएंगे। तो भाई ये आपको भी पता है कि जो हमारे फॉर्मल शूज होते हैं ब्लैक एंड ब्राउन, अगर वो गंदे हो जाते हैं तो उनको क्लीन करने के लिए भाई हमारे पास मार्केट में ब्लैक एंड ब्राउन कलर के शू पॉलिश आते हैं जिन्हें हम अपने फॉर्मल शूज में आसानी से अप्लाई करके उनको वापस शाइनिंग एंड क्लीन बना सकते हैं। बट अगर आपको पॉलिश भी नहीं लगानी तो भाई आप शू शाइनर का नाम तो सुना होगा जो कभी कभी जूतों के साथ मिलता है, अगर आप वो स्पंज को भी अच्छे से घिस लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। पर आविष्कार भाई, लेदर के तो व्हाइट स्नीकर और दूसरे स्नीकर्स भी आते हैं, तो क्या उनपे भी पॉलिश? अरे भाई सटक गई है क्या? बिल्कुल नहीं, कभी करना भी मत भाई भूल से। देखो अगर आपके लेदर स्नीकर्स में हल्की हल्की डस्ट बसे ना तो आप उसे साफ सूखे कपड़े से भी पोंछ सकते हो, पर लेकिन आपके शूज में दाग थोड़े से जिद्दी हैं। दाग अच्छे हैं? बिल्कुल नहीं लेना है, इसके लिए प्रॉपर स्नीकर क्लीनर आता है जिसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वीडियो के बाद जाके चेकआउट करना। अगर आपका प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसे थोड़ा सा पानी के साथ मिला के देन अप्लाई करना अपने शूज के ऊपर। अगर जो प्रोडक्ट है वो आपका स्प्रे वाला होगा तो आप डायरेक्ट अपने स्नीकर पे अप्लाई कर सकते हो, देन उसके बाद आपको साफ कपड़े से अपने शूज को वाइप आउट कर देना है। अगर बात करें स्वेट मटेरियल वाले शूज की, तो भाई वो एक ऐसे शूज है जिनको मेंटेनेंस की जरूरत एक्चुअली में ज्यादा होती है। तो भाई मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उन शूज को ना कैसे भी क्लीन मत करना भाई, उसके लिए पर्टिकुलर स्वेट क्लीनर आता है मार्केट में जिसका प्रोडक्ट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बस अपने स्वेट शूज को ना उसी प्रोडक्ट की मदद से क्लीन करना। और मेरा मानना तो ये भाई कि अगर आप स्वेट शूज को डेली बेसिस पे नहीं पहनते हो तो उनकी लाइफ लंबी चलेगी, नहीं तो भाई चाहे तो वो शूज कितने भी रिच लगते रहे लेकिन अगर आपने उसके ढंग से केयर नहीं करी तो एक टाइम के बाद वो चीप लगने लगते हैं। नंबर सेकंड है कि गाइस शू टूल्स, जो कि आपके पास होना चाहिए अगर आप अपने शू की लाइफ को एंड अपने शू के अपीयरेंस को इंक्रीज करना चाहते हो। तो भाई सबसे पहला टूल है एक्स्ट्रा इनसोल्स। तो भाई अगर आपका बजट उतना नहीं है कि आप हाईफाई शूज खरीद सकें, बट आपका बजट इतना है कि आप सस्ते शूज तो खरीद ही सकते हैं, पर अगर आपको चाहिए कंफर्ट होना चाहिए वो महंगे शूज वाला, तो भाई आपको करना कुछ नहीं है, बस जो आपका बेसिक शूज है उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा इनसोल डाल देना है, देन आप जब उसको पहन के चलोगे लिटरली गाइस यू विल फील लाइक दैट यू आर वॉकिंग ऑन अ पिलो। भाई ये मैंने पर्सनली ट्राई किया है एंड इट्स रियली वर्क। 350 का जूता, 100 से 150 की इनसोल एंड कंफर्ट लेवल 3000 के जूते जितना। भाई मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप खुद ट्राई करो, इनसोल का लिंक दिया है मैंने। दूसरे टूल का नाम है शूट्री। तो गाइस ये चीज तो आपने भी नोटिस की होगी कि जब भी आप अपने शूज को ज्यादा पहनते हैं तो उसमें क्रीजेस पड़ जाते हैं, शू का शेप खराब होने लगता है। तो उसके लिए आपको बस करना कुछ नहीं कि सबसे पहले आपको थोड़ी सी वैसलीन लेना है, हाँ जो यहाँ लगाते वही वाली, आपको थोड़ी सी वैसलीन लेना है जहाँ पे आपके शू पे क्रेजेस पड़े वहाँ पे अप्लाई करना है, एंड देन उसके बाद आपको शू ट्री को अपने शू के अंदर प्लेस करना है एंड 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, एंड नेक्स्ट डे आपका शूज बिल्कुल चमचमाता अपने ओरिजिनल शेप में दिखेगा। एंड गाइस जो तीसरा शू टूल है जो आपके पास होना चाहिए वो है शू हॉर्न। भाई गाड़ी वाले हॉर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। तो भाई शू हॉर्न ना एक तरीके की शू स्टिक है जिसकी मदद से हम जूते को आसानी से पहन सकते हैं, क्योंकि हमारी ना बहुत से लोग की आदत होती है कि हम उंगली डाल डाल के जूते को पहनते हैं एंड जिसकी वजह से हमारे जूते का जो बैक का एरिया है वो खराब होता है और कभी कभी हमारे पैर भी छिल जाते हैं।
तो बस इतना जान लो कि इन सभी चीजों से प्रिवेंट करने के लिए हम शू हॉर्न का यूज करते हैं और आपको जूते पहनने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। भाई तीसरा है कि शू स्टोरिंग। तो भाई शू की केयर करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है शूज को सही ढंग से स्टोर करना। देखो भाई शूज ना सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि उसके पास पैसे ज्यादा हैं तो वो अपने शूज को फेंक देता होगा, ऐसा नहीं होता है भाई। अब देखो भाई जो बंदा रिच है अमीर है तो उसके लिए उसके महंगे जूते ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, बट जो बंदा मिडिल क्लास फैमिली में है जो थोड़े से गरीब घर का है तो उसके लिए उसके सस्ते जूते ही मैटर करेंगे। मतलब क्या कि चाहे आप रिच हो चाहे आप गरीब हो आपके लिए शूज तो भाई मैटर करेंगे ही। तो चाहे आपके जूते महंगे हों चाहे आपके जूते सस्ते हों वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप उसे कैसे स्टोर कर रहे हैं। तो देखो भाई आपको ना अपने जूतों को कभी भी घर के बाहर नहीं छोड़ना है, ऐसे ही आपको अपने जूतों को अंदर रूम टेम्परेचर में रखना है, क्योंकि हमारे जूतों को ना ज्यादा गर्मी पसंद होती है ना ज्यादा ठंडी पसंद होती है, बहुत ही नखरे वाले होते हैं भाई। तो इसके लिए आपको ना हमेशा रूम टेम्परेचर में रखना चाहिए। एंड अगर आपको अपने जूतों के साथ एक्स्ट्रा स्टोरिंग एक्स्ट्रा सेफ्टी करनी है तो आप शू क्रेट बॉक्स ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, पर अगर किसी का खरीदने का मन है तो भाई उसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चौथी है क्या गाइस, शू ओडोर। देखो नॉर्मली तो ना लोगों के पैरों से उतनी बदबू नहीं आती, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको फुट स्मेल की प्रॉब्लम रहती है और उनके जूते में से तो भाई नाक के बाल जला देने जैसी बदबू आती है। तो भाई अपने शूज को ना बैड ओडोर से प्रिवेंट करने के लिए आप शू डियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट उतना नहीं है तो भाई आप ऑरेंजेस तो खरीद सकते हो ना। तो भाई बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना ऑरेंजेस के पेल को अपने शूज के अंदर रखना है, मतलब जो आपके जो संतरा है जो उसका छिलका रहता है ना आपको उसे निकाल के अपने जूते के अंदर 24 घंटे के लिए छोड़ देना है, एंड देन उसके बाद आपके जूते से बैड स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बट ऑन टेम्पररी बेसिस। लास्ट है कि गाइस शू वेयरिंग रूल्स। फिर चाहे आप कोई सी भी जूते ले लो चाहे वो महंगे हो चाहे वो सस्ते हो, लेकिन अगर आपको उनको सही तरीके से पहनने का दिमाग नहीं है तब तो भाई कोई मतलब नहीं है आपको उन शूज को लेने का। तो भाई मैं इस पॉइंट को आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, जल्दी जल्दी समझ जाओ कि सबसे पहले जो आपके वाइट स्नीकर है या जितने भी आपके लोफर्स हैं स्नीकर्स हैं लो टॉप शूज हैं तो उनको आपको नो शू सॉक्स के साथ पहनना है, या आप उन्हें लोफर सॉक्स भी बोल सकते हो। अब भाई ये नहीं पूछना कि क्यों कैसे, भाई ये सब जो रूल्स हैं वो बड़े बड़े जेंटलमैनों ने दिया है और वो ये बोले कि अगर आपने इन शूज को सॉक्स के हिसाब से नहीं पहना तो वो उसी क्लास में इसको खत्म कर देते हैं। तो भाई मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे करते जाओ, क्या दिक्कत है। कभी भी भाई फॉर्मल शूज के साथ ना वाइट सॉक्स को बिल्कुल मत पहनना, और आपके ये जितने भी फॉर्मल शूज हैं ड्रेस शूज हैं तो उनके साथ हमेशा फुल लेंथ सॉक्स को ही पहने, उनके साथ नो शो सॉक्स नॉट अलाउड। इंडिया का जो फुल लेंथ सॉक्स होते हैं तो आप उनके पैटर्न के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कभी स्ट्राइप्स पहने कभी पोलका डॉट्स पहने कभी और दूसरे पैटर्न। ब्लैक फॉर्मल शू को ब्लैक बेल्ट के साथ पहने, ब्राउन फॉर्मल शूज को ब्राउन बेल्ट के साथ पहने, एंड टैन कलर के फॉर्मल शूज के साथ टैन कलर के बेल्ट ही पहने। तो भाई ये थे कुछ शू हैक्स जिनको यूज करके आप अपने शूज के सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो। एंड आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी हेल्पफुल चीजें सीखने को मिली होंगी, अगर मिली है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। एंड हाँ, जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप इतनी अमेजिंग स्टाइलिंग कहां से सीखते हैं तो हक से बोलना कि भाई हम आविष्कार सिंह परियार को फॉलो करते हैं एंड आप भी कर लो। एंड भाई 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 इंस्टाग्राम यहां दिया है और हाँ इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो हाँ वीडियो को खत्म करने के बाद जरूर चेक कर लेना। स्टे सेफ स्टे स्टाइलिश।